نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المثل الأعلى، صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد، اس سے قبل آپ نے فاضل محترم کا خطاب یہاں کی لوکل لینگویج میں سنا. اللہ پاک ان کے علم میں اور عمل میں، فکر میں اور ذوق میں مزید برکات عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم مشن کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج رجب المرجب کی پہلی شب ہے، پہلی رات ہے، اور آج سے مجالس خواجہ خواجگاں کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سلسلے کے آج پہلی مجلس ہے. میں آج کے خطاب میں خواجہ خواجگاں، معین عارفاں، معین سالکاں و صادقاں و زاہداں و محباں، سیدنا معین الدین علیہ رحمت المتین کے چار اصول آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو نصاب عشق بھی ہے، نصاب ولایت بھی ہے، نصاب ایمان بھی ہے، اور نصاب وجدان بھی ہے. پہلا اصول توبہ ہے. ابتدا ہوتی ہے توبہ سے. اہل لغت نے تاب یتوب کا معنی لکھا ہے، لوٹنا، پلٹنا، ٹو ریٹرن، واپس آنا. اور توبہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ گناہوں سے پلٹ آنا، گناہوں سے لوٹ آنا، گناہوں سے باز آنا، گناہوں سے رک جانا، پھر سے نیکیوں کی طرف آنا، پھر سے بارگاہ مولا اور بارگاہ مصطفیٰ کی طرف آنا. تو مولا کی بارگاہ اور بارگاہ مصطفیٰ تک پلٹنے کا نام، لوٹنے کا نام توبہ ہے. توبہ
हाथों की भी होती है, पांव की भी होती है, जुबान की भी होती है, आंखों की भी होती है, कानों की भी होती है, नफ्स की भी होती है, दिल की भी होती है, दिमाग और अकल की भी होती है। हाथ से, पांव से, आंखों से, कानों से, जुबान से वो काम न करना और उस काम से पलट आना, लौट आना, वापस आना, जो हराम है, अनलॉफुल है, नाजायज है, ये आज़ा की तौबा होती है। और एक तौबा अहलुल्लाह की होती है, औलिया की होती है, और सालहीन की होती है। सालहीन की तौबा ये है कि अल्लाह के सिवा, महबूब के सिवा दिल में जो है उसे निकाल देना, जैसे मैंने बताया था इश्क की डिफिनेशन में कि अल इश्क नारुन युहरिकु मा सिवल महबूब। इश्क एक आग है जो महबूब के सिवा हर शय को जला देती है। तौबा का पहला लफ्ज है ता, बोलिए क्या ता, और ता तर्क से है, किससे? तर्क से, ता रा काफ तर्क, और तर्क का माना होता है छोड़ देना, छोड़ देना। तो तौबा जो औलिया की होती है उसमें वो मां से वल्ला, मां सेवा महबूब हर एक को छोड़ देते हैं। उसमें माल भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, मां बाप भी है, वतन भी है, अपने भी हैं, गैर भी हैं, सब है। फिर दूसरा हर्फ क्या है तौबा में? बोलिए वाव। वाव वसल से है, किससे? वसल का मतलब होता है मिल जाना। जब मोमिन मौला के लिए सब छोड़ देता है तो फिर उसका अंजाम क्या होता है? मिलता है महबूब से। तो एक तरफ तर्क है, तर्क में वो हर एक को छोड़ देता है, और वाव से फिर विसाल महबूब होता है, वसल महबूब होता है। तो औलिया की तौबा ये है कि वो मां सेवा अल्लाह के और मां सेवा मुस्तफा के सबको छोड़ देते हैं। आला हजरत ने फरमाया जान दे दो वादे दीदार पर, नक्द अपना काम हो ही जाएगा। ये तौबा है, वादा किया गया आपसे कि जब तुम महबूब के नाम पर जान दोगे तो दीदार होगा। फिर ये ऐसा सौदा है जिसमें उधार नहीं है, नकद है। यहां जान दी और वहां पर्दा उठा, दीदार हो गया। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। ये सूफिया की तौबा आला हजरत बयान कर रहे हैं। सूफिया की तौबा ये है कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। आपकी तौबा यह है कि आप गुनाह को छोड़ दें, और सूफी की तौबा यह है कि महबूब का निकाब उठे,
हिजाब उठे और बिना हिजाब महबूब का दीदार नसीब हो, ये सूफी की तौबा है। तो दो बुनियादी बातें होती हैं तौबा में, तर्क छोड़ देना और वाव विसाल महबूब, महबूब से मिल जाना, महबूब से मिल जाना। जिन्हें महबूब का वसल नसीब होता है तो कलंदर लाहौरी और अल्लाह के अजीम वली हुजूर के अजीम आशिक मैं जिनसे टूट कर मोहब्बत करता हूं, जिनके कलाम को मैं निसाब इश्क समझता हूं, डॉक्टर इकबाल ने फरमाया कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई, लज्जत आशनाई, द स्वीटनेस ऑफ लव, ये लज्जत आशनाई है। जब लज्जत मोहब्बत नसीब होती है तो फिर इंसान को दो आलम की परवाह नहीं होती, उसकी निगाह फकत जलवे यार पर होती है, जलवे महबूब पर होती है। ये पहला मुकाम है तौबा। गुस्ल से और वजू से इंसान का मोमिन का जाहिर पाक होता है और तौबा करने से इंसान का बातिन पाक होता है। जब तौबा हुई, तौबा के बाद फिर एक मंजिल आती है जिसको कहते हैं अल हुब, अकीदत, प्यार, मोहब्बत, लव। इसलिए कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना नजिस को अपना वली और महबूब बनाता है और ना नापाक को। वो जब किसी को पसंद करता है, किसी को महबूब बनाता है तो पहले उसको तौबा की तौफीक देकर पाक करता है। तौबा के बाद फिर मोहब्बत की मंजिल है, मोहब्बत का मुकाम है, मुकाम मोहब्बत। जब मोमिन को नसीब होता है तो फिर वो ये चाहता है कि दिन ब दिन ये मोहब्बत बढ़ती चली जाए, कभी प्यास नहीं बुझती, कभी प्यास नहीं बुझती। उसकी मिसाल सहाबा है और सहाबा का इश्क है। अगर सहाबा 24 घंटे भी हुजूर के पास होते तब भी उनकी प्यास हुजूर अलैहिस्सलाम के दीदार से नहीं बुझती, फिर भी प्यासे होते। तआं के जब मैदान जंग में मौत और शहादत का वक्त करीब होता और पूरा बदन जख्मों से चूर चूर होता तो उस वक्त भी उनकी तमन्ना होती कि काश दुनिया से जाने से पहले हुजूर सलाम का एक बार दीदार नसीब हो जाए। प्यास नहीं बुझती, दुनिया में नहीं बुझी तो बरजख में कैसे बुझेगी। दुनिया में जब तक मोमिन होता है तो हुजूर सलाम के दीदार के इम्कानात होते हैं, लेकिन आपने सुना कि कब्र में जब सवाल होगा मा कुंत तकूल फी हक फी हाजर रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
कि तुम इस मर्द कामिल के बारे में क्या कहते हो, तो उस वक्त पर्दा उठेगा और हुजूर की ज्यारत और हुजूर का दीदार नसीब होगा। तो अगर दुनिया में प्यास बुझ जाती तो बरजख में ज्यारत ना होती। बरजख में ज्यारत दीदार है और हुजूर की ज्यारत और दीदार दलील है कि प्यास दुनिया में नहीं बुझी। फिर अगर बरजख में प्यास बुझ जाती तो आखिरत में दीदार की तमन्ना ना होती। लेकिन आशिक को तो वहां भी तमन्ना है, मैदान हशर में दौड़ता हुआ जाएगा। क्यों? हुजूर सलाम के दीदार के लिए। अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि कब्र की नींद से उठना तो कोई आसान था, हम तो महशर में भी उन्हें देखने आए हुए हैं। लोग महशर में हिसाब व किताब के लिए जाएंगे और आशिक हिसाब व किताब के लिए नहीं, दीदार यार के लिए जाएगा। यह दलील है कि मोहब्बत की प्यास बुझती नहीं है। बरजख के बाद आखिरत में महशर में नहीं बुझी, फिर ये प्यास जन्नत में भी नहीं बुझेगी। जन्नत में प्यास और ज्यादा होगी। तो एक प्यास है जो कभी नहीं बुझती, वो इश्क़े मोहम्मद की प्यास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आरिफ की पहली मंजिल तौबा है और फिर अगली मंजिल बोलिए क्या है? मोहब्बत। उसके बाद फिर अगली मंजिल अल-क़ुरबा, करीब होना है, नजदीक होना है, दुनिया में भी। आप जिसके करीब होते हैं उससे आपको मोहब्बत होती है। दुश्मन के कभी कोई करीब नहीं जाता, हासिद मुआनिद मुखालिफ के कभी कोई करीब नहीं जाता। तो जब मोहब्बत की मंजिल नसीब होती है तो मोहब्बत के बाद फिर कुर्बत की मंजिल होती है। महबूब करीब हो जाता है। उसको आला हजरत ने बहुत खूबसूरत बयान किया, फरमाया मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यदि महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मेरा तेरा खत्म हो गया। क्यों? इसलिए कि करीब हो गए। और शब इसरा की रात हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के कितने करीब हुए? सुम्म दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। मैंने बताया था कि पहली मंजिल तौबा है, उससे जाहिर और बातिन पाक होता है। हुजूर सलाम का जो सीना मुबारक चाक किया गया वो बमंजिल तौबा के हैं। फिर मस्जिद हराम से सातवें आसमान तक ये मुकाम मोहब्बत है। और अब काबा कौसैन की जो मंजिल आई तो ये मकाम कुर्बत है, ये मुकाम आता है कि महबूब मुहिब के करीब और मुहिब महबूब के करीब। फासले मिट जाते हैं, फासले खत्म हो जाते हैं, दूरियां खत्म हो जाती हैं, दूरियां खत्म हो जाती हैं। यहां पुकारा, यहां हाजिर हुए। और कभी फिजिकली भी ऐसा होता है कि जब औलिया को पुकारा जाता है तो आंखों के सामने आ जाते हैं। तो ये क्या है? मुकाम कुर्बत है, करीब हो गए। फिर आखिरी मंजिल आती है कुर्बत के बाद, मुकाम विसाल।
دیدار کا مقام, دیدار اور زیارت اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا مقام, یہ آخری حد ہے, اس پہ ختم ہو جاتا ہے. پھر شاعر کہتا ہے کہ تجھے دیکھوں تو دیکھتا رہ جاؤں, کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ مسلسل دیکھتا رہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ نے فرمایا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ, کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ ہو اور میری نگاہیں. پھر حال یہ ہوتا ہے تو مقام قربت میں منزل قاب قوسین ہے اور مقام وصال میں پھر ما زاغ البصر وما طغى ہے. ما زاغ البصر وما طغى, کہ نگاہیں نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی, مسلسل یار کو دیکھتی رہی, مسلسل محبوب کو دیکھتی رہی. آپ جب سورج کو دیکھتے ہیں نا دن میں تو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں, آنکھیں چندیا جاتی ہیں. تو سورج کا کیا نور ہوگا اللہ کے نور کے مقابلے میں؟ لیکن یہ آپ کی آنکھیں ہیں, حضور علیہ السلام کی نہیں ہیں. آپ کی آنکھیں وہ ہیں جو سورج کو نہیں دیکھ سکتی, اور محبوب کی آنکھیں وہ ہیں جو اللہ کو دیکھ رہی ہیں. عارف رومی کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے, میں اس کو پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ موسیٰ بیک جلوہ زہوش رفت, تو عین ذات را می نگری در تبسم ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک جلوے سے بے ہوش ہو گئے. طور پر ایک جلوہ ہوا تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے, اور حضور اللہ کو دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے. اللہ کو تکتے رہے اور مسکراتے رہے. تو ایک جلوے سے بے ہوش ہونا اور ہے, اور مسلسل اللہ کو بلا حجاب دیکھ کے مسکرانا اور ہے. وہ الگ مقام ہے. موسیٰ علیہ السلام مقام محبت میں تھے, مقام محبت میں تھے, اور حضور مقام قربت کے بعد مقام وصال میں تھے. تو یہ چار بنیادی اصول یاد رکھیں. پہلا مقام بولیے کیا ہے؟ توبہ. بولیے. دوسرا محبت. بولیے. تیسرا قربت. قربت کا مطلب قریب ہونا, کلوز ہونا. اور چوتھا وصال. کیا؟ وصال کا مطلب دیکھنا, ملنا, دیدار, زیارت. اور میں نے آج خطاب جمعہ میں بتایا, میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا, صرف ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رجب کا جو مہینہ ہے, حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ شہر التوبہ ہے, توبہ کا مہینہ ہے. اس لیے میں نے آج خطاب جمعہ میں بتایا کہ رمضان المبارک اور شعبان کے آنے سے پہلے آپ رجب میں توبہ کریں, روزانہ توبہ کیا کریں. اور بتایا تھا کہ توبہ کے بعد پھر کیا نصیب ہوتی ہے؟ محبت نصیب ہوتی ہے. اور محبت کے بعد پھر کیا نصیب ہوتی ہے؟ قربت نصیب ہوتی ہے. اور قربت کے بعد پھر کیا نصیب ہوتی ہے؟ بولیے. دیدار اور وصال نصیب ہوتا ہے. یہ چار چیزیں ہیں جن میں لوجیکل آرڈر ہے, منطقی ترتیب ہے, منطقی ترتیب ہے. اللہ پاک حضور علیہ السلام کے توسل سے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے, خاتمہ بالخیر فرمائے, اور خواجہ خواجگان نور اللہ مرقدہ کی جو روحانی نگاہیں ہیں
وہ ہماری طرف اور بالخصوص مسلمانان موریشس اور بالعموم مسلمانان عالم کی طرف متوجہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.